हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप आईएस के चैनल में। फ्रेंड, आज हम आप लोगों की प्रीलिम्स 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ये सुपर 750 सीरीज़ है। और इस सुपर 750 सीरीज में हम पूरे साल भर के करंट अफेयर्स में से जो टॉप मोस्ट अप्रोप्रिएट करंट अफेयर्स होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टॉपिक रहे होंगे, उनको हम यहाँ पास अपनी इस सीरीज में जो है कवर करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और हम यहाँ पास आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि फ्रेंड, हम ये टॉपिक जो है तो आपको हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देते चले जाएंगे, तो इसमें से आपको टॉप मोस्ट रिलेवेंट ही करंट अफेयर्स यहाँ पास प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और ज़्यादा यहाँ पास हम मतलब कि इस वीडियो को मतलब ज़्यादा बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, हम यहाँ पास बिल्कुल ज़्यादा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रही हैं तो उन्हें को यहाँ पास कवर किया जाएगा। तो ये जो फर्स्ट सीरीज है तो इसमें यहाँ पास हम इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर्स जो है तो स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो इस वीडियो में यहाँ पास जो है तो हम ज़्यादा कोई आपको कोई स्पेशली जो है तो विजुअलाइजेशन के जरिए बताने का प्रयास करेंगे, और इसमें कोई हम आपको खास कोई ज़्यादा वैसे जो है तो ज़्यादा रिटर्न फॉर्म में नहीं देंगे। स्पेशली हमारा फोकस होगा समझाने पे, है ना। तो ओके, और एक बात और यहाँ पास स्पष्ट ये करना चाहूँगा कि ये वीडियो की जो सीरीज़ है तो उन स्टूडेंट उन एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है जिनका बैकग्राउंड काफ़ी मतलब कि ठीक ठाक है, जिन्होंने जो करंट से कंटिन्यू जुड़े भी रहे हैं, ठीक है। तो उनके रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, और जिसका एकदम बेसिक भी क्लियर नहीं है, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है उसके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल ये होने वाली सीरीज है ना पीटी एग्जाम के लिए। लेकिन जिसका बेसिक नहीं बना है तो उसको निश्चित तौर पर असुविधा हो सकती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप यदि इस प्रकार की समस्याएं हो, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग ना हो, तो मतलब कि कोई इस वीडियो के आपको खास एडवांटेज नहीं होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखे, आपको निश्चित तौर पर प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा इसका लाभ मिलने वाला है फ्रेंड, ठीक है। तो हमारा ये जो पहला टॉपिक है, तो पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, प्रधानमंत्री जी के। तो ये जो है तो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि इसी टाइप से जो है तो यूपीएससी में क्वेश्चन फ्रेम कर दिए जाते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर इस टाइप की जो है तो काउंसिल्स वगैरह है ना, कोई भी जो संगठन होते हैं तो उनसे संबंधित जो है तो यूपीएससी में निश्चित तौर पर आयोग भी है, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी स्पेशली पीएम की है, तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पास इस वीडियो में जाने का मतलब कि इस टॉपिक में जाने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। कि पहली बात तो आप लोग ये जानिए कि ये जो प्रधानमंत्री जी की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। एक तो पहली बात ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, दिस इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, एंड आल्सो दिस इज नॉन स्टेचुरी बॉडी, ठीक है, ना तो ये संवैधानिक बॉडी है ना ही वैधानिक बॉडी है, ठीक है। और तीसरी बात ये भी आप एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये परमानेंट बॉडी भी नहीं है, यानी कि ये स्थायी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण तीन चीज़ें आपको जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन फ्रेम करता है तो इन्हीं चीज़ों पे मोस्टली जो है तो वो फोकस करता है और यहीं से पूछ लिया जाता है, और यदि हम इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते तो हम उस पर मतलब उस क्वेश्चन को इजीली नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप लोग महत्वपूर्ण तौर पर ये याद रखिएगा कि जो ये पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ये ना तो संवैधानिक काउंसिल है, न ही ये स्टेचुरी है, ना कि यानी कि संसद में किसी कानून के द्वारा नहीं बनाया गया है, और ना ही ये कोई स्थायी निकाय है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, ये एक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। और इसमें से यदि हम इसके काम के बारे में जाने जाए तो हमने इसका स्ट्रक्चर जान लें कि इसकी फ्रेम किस क्या ऐसे कैसे इसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, ये तो इसकी महत्वपूर्ण बातें हो गई, ठीक है। लेकिन ये जो पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद है तो इसके जो काम क्या है ये जानना भी हमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन को हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा उसकी डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं कि इसका बैकग्राउंड क्या, कब से स्टार्ट हुई है ना, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जो यूपीएससी जहाँ से क्वेश्चन को जिन चीज़ों पर फोकस करता है, जहाँ से पूछता है, जिसके पूछने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उन्हीं पर हम यहाँ पास ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पास आप लोगों को मछली पकड़ने का मतलब कि सिखा रहे हैं, ना कि मछली पकड़ करके दी जा रही है, ठीक है। तो ये प्रयास करें ताकि निश्चित तौर पर आपको जो यूपीएससी के क्वेश्चन होंगे उससे भी आप लोग धीरे धीरे इसी तरह से फ्रेंडली भी हो जाएंगे। तो यहाँ पास देखें कि ये किस लिए आखिर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद, आप लोग तो यहाँ पास समझ ही गए होंगे कि जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर अर्थशास्त्र रिलेटेड जो है तो जो भी इकोनॉमिक कंडीशन देश से संबंधित है तो उससे संबंधित जो है तो ये सलाह देने के लिए ये काउंसिल बनी गई है। तो इसीलिए यहाँ पास आप लोगों को इतना तो मोस्टली जैसे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन वगैरह है ना, माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जीडीपी है, इंडस्ट्री है, आज जो भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीज़ें हैं तो उससे संबंधित जो है तो ये
जो तू इसमें जो है निगरानी करती है और प्रधानमंत्री को इसके बारे में वाकिफ कराती है। तो ये स्पेशल तौर पे जो है पीएम एडवाइजरी काउंसिल का ये काम होता है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पास देखने का प्रयास करिए फ्रेंड, तो इसके वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं तो वो हैं कौन, विवेक देवराय जी, ठीक है। विवेक देवराय जी इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं, ये याद रखिएगा, बिल्कुल ही मत भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पास हमने इस टॉपिक के बारे में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं जो पूछने वाली हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने यहाँ पास डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पास है, हम लोग देखते हैं कि अभी हाल ही में यदि देखें आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा कि गवर्नमेंट ने हाल ही में जो है तो एक नई बॉडी का गठन किया है। कौन सी नई बॉडी है वो, तो आप लोगों ने सुना होगा NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गन ऑफिस सुना है, ठीक है, NSSO सुना है, और आप लोगों ने CSO को भी सुना होगा, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज करके गवर्नमेंट ने एक नई बॉडी बना दिया है, उसका नाम क्या है, NSO इन द सेंस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। यानी कि एक नई बॉडी यहाँ पास जो है तो गवर्नमेंट ने बना दिया है, किसको किसको मर्ज करके, NSSO और CSO, इन दो को मिला करके। तो ये जो समस्या आती थी क्या होता था कि ये दोनों जो है तो कभी कहीं कहीं जो है तो इनके जो काम दोनों के होते थे NSSO और CSO के, मोस्टली कहीं कहीं ओवरलैप होते थे, ठीक है, और बेहतर कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो पाती थी। इसीलिए जो है तो इन डाटाओं की ना, ये नेशनल लेवल के जो है डाटा वगैरह डिफरेंट सेक्टर के जो है तो गवर्नमेंट के ऑफिशियली डाटा जो है तो ये रिलीज करते थे ये संगठन, तो इनको जो है तो इनके बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए गवर्नमेंट ने इन दोनों को मर्ज करके और एक नया जो है तो एक अलग से बॉडी बनाई है NSO, यानी कि अब ये दोनों नहीं बल्कि NSO जो है तो इन दोनों को मतलब NSO में मर्ज कर दिया गया है, ये बिल्कुल भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पास ध्यान देने वाली फ्रेंड ये है कि ये जो NSO है तो ये मोस्टली UPSC में पूछा जाता है कि ये किसके अधीन आती है, यानी कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अधीन ये आता है। तो आप लोग ये भी बिल्कुल ही याद रखिएगा कि ये MOSPI, ठीक है, यानी कि जो ये केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पास देख भी सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन आता है ये NSO, और इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो कौन करेंगे, ये इसी जो MOSPI है इनके जो सेक्रेटरी हैं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, ये आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि अभी यहाँ पास जो है तो गवर्नमेंट ने 2019 में इकोनॉमिक सेंसस जारी किया था, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पास आप लोग यहाँ पास जानें कि जो इकोनॉमिक सेंसस 2019 है तो इसमें क्या क्या इसमें कवर की गई है। तो ये जो है तो मोस्टली जैसे कि हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस है ना, एंगेज इन प्रोडक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ये चीज़ें जो है तो इनके सभी साथ ही साथ जो है तो नॉन फार्म एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है तो इसमें इंक्लूड करके इनके जो डाटा को जो है तो एक ऑफिशियल तौर पर जो है तो उनको इकट्ठा करके जो है तो जारी किया गया है। और ये जो डाटा है तो गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स होती हैं या डिफरेंट जो भी योजनाएं पॉलिसीज होती हैं तो उसके पॉलिसी मेकिंग में ये जो डाटा होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड। इसीलिए जो है तो ये इकोनॉमिक जो सेंसस जारी किया गया है तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ हम जो है तो इसकी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें, ठीक है। तो इसको आखिर जारी किसने किया है, तो यदि हम इसके बारे में देखें तो इसको भी हम लोगों ने पिछले टॉपिक में बताया भी है कि इसको जो है तो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI, ठीक है, MOSPI प्लस इसको जो है तो CSE e-Governance, ठीक है, CSE e-Governance सर्विस इंडिया लिमिटेड जो कि एक जो गवर्नमेंट जो कि PSU है, तो इसने मिल करके इसके साथ जो है तो इसको डाटा को जो है तो बनाया है, दोनों के एक प्रकार से पार्टनरशिप के साथ जो है इस डाटा को तैयार किया गया है। अब यदि हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण मेन मोटो ये होता है कि एक प्रकार से पूरी तरह से जो है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, और एक सुदृढ़ता लाए हमारी इकोनॉमी में, सुदृढ़ता आ सके, इन चीज़ों को फोकस करते हुए जो है तो इसकी गणना जो है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब यदि बात करके ये जो जनगणना है तो कोई पहली तो है नहीं, हमने यहाँ पास बताया भी कि 7th इकोनॉमिक सेंसस है, तो इसके पहले यदि बात करते हैं तो और भी जो ये इस प्रकार के जो इकोनॉमिक सेंसस हो चुके हैं तो इसमें यदि हम देखें तो अन्य जो 6 थे, तो सबसे पहले तो इसकी बात करें तो 1977 में जो फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, ठीक है, उसके बाद फिर 80 में हुआ था, देन 90 में हुआ था, 1990 में, देन 2013 में हुआ था एंड 2019 में हुआ था। तो एक यहाँ पास आप लोगों ने एक सीक्वेंस यहाँ पास देखा होगा फ्रेंड कि
एक बात यहाँ पास है कि जो इकोनॉमिक सेंसस जो जारी किया जाता है तो इसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि कब जारी किया जाता है, आप यहाँ पास सीक्वेंस से समझ भी सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो ये भी यूपीएससी कभी कभी जो तो एक किसी एक स्टेटमेंट में दे भी सकता है कि ये निश्चित एक निश्चित अवधि में जारी होते हैं, 5 साल या 6 साल जो भी हो ना, तो वो जो है तो वो स्टेटमेंट जो है तो बिल्कुल ही करेक्ट हो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है तो इससे रिलेटेड जो है तो इकोनॉमिक सेंसस रिलेटेड जो है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले हम यहाँ पास देखने का प्रयास करें कि आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी पूछने के पीछे इसके रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अभी हाल ही में जैसे कि इकोनॉमिक्स के जो जीडीपी रिलेटेड जो भी डाटा जारी किया गया था, तो ये जो तो काफ़ी ज़्यादा ये मुद्दा मतलब कि काफ़ी चर्चित रहा था, इसीलिए यहाँ पास हम मतलब कि आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि निश्चित तौर पर आप लोगों को ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि बताइए कि भारत ने जनवरी 2015 में जीडीपी आकलन पद्धति में सुधार किया था, ठीक है। तो अब जो जीडीपी आकलन का जो बेस ईयर है, अब वो बेस ईयर क्या है, यहाँ पास आप लोगों को इसका आंसर देना है, ठीक है। तो हम इसके लिए आपको 5 सेकंड देते हैं फ्रेंड। इसका जो सही आंसर होगा तो सही आंसर होगा 2011-12, ठीक है, यानी कि 2011-12 यानी कि जो बेस ईयर था 2015 में जीडीपी की आकलन का, तो बेस ईयर को चेंज करके 2011-12 में कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से एक और महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड कि यहाँ पास आप लोग और भी बताइए कि बेस ईयर 2011-12 को कर दिया गया है 2015 में, और जो जीडीपी के आकलन की कैलकुलेशन की जो मेथोडोलॉजी थी उसको भी चेंज करके एक न्यू मेथोडोलॉजी लाई गई थी, ठीक है। तो उसके तहत क्या कर दिया गया था कि जो नई मेथोडोलॉजी है तो इसमें से जीडीपी की जो है तो मार्केट प्राइस यानी कि जीडीपी एमपी के बेस पे जो है तो इसको हेडलाइन जीडीपी उस पे जो तो इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये बात भी आप लोग महत्वपूर्ण रखिए कि जो कि हेडलाइन जीडीपी कंसीडर्स होता है, इसके तहत जो होता है जो कंज्यूमर को ये ज़्यादा फोकस्ड करता है, ठीक है, यानी कि ये उपभोक्ता केंद्रित हो जाता है, इसलिए इससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़्यादा एक्यूरेट डाटा जो है तो मिल सकेंगे। और साथ ही साथ यदि आप ये बताइए कि ये 2011-12 बेस ईयर कर दिया तो इसके पहले भी बेस ईयर क्या था, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके बताना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है गाफा टैक्स। आप लोगों ने इसके बारे में भी काफ़ी सुना होगा, गाफा टैक्स क्या क्या है भाई गाफा टैक्स, ठीक है। ये जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भी कहते रहते इसकी बहुत ही ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज भी करते रहे हैं इस टैक्स के लिए, ठीक है। और बहुत से देश खासतौर पर यदि हम बात करें यूरोपियन यूनियन ना, तो इन देशों में भी तो काफ़ी ज़्यादा इन टैक्सों की मतलब कि सभी जो है तो इसको इम्पोज करने में लगे हुए हैं, यानी कि इसको मतलब कि चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गाफा टैक्स क्या है थोड़ा सा हम इसके बारे में जाने, क्योंकि एक नई पहली बात तो एक नया टाइप का टैक्स है, ठीक है। और दूसरी बात कि ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पास यदि बात आप करें तो भारत में एक तो 130 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से भी जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तो नेट का हम यूज़ करते हैं और नेट पर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है तो ये कंपनियाँ क्या होती हैं कि अपनी जो ऑफिस है, ऑफिस तो उन देशों पे मतलब कि उनकी जहाँ पास दूसरे देशों पे जो तो अपने ऑफिस स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन इनकी जो सर्विसेज हैं तो हमारे देशों पे होती है, लेकिन भारत में जैसे कि हमारे मतलब कि हमारी पॉपुलेशन से ये एडवांटेज तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन भारत को उस तरह का एडवांटेज या उस तरह के जो टैक्स जो है तो वो पे नहीं करते हैं, इससे जो है तो भारत के रेवेन्यू को भी बहुत ज़्यादा घाटा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है तो इस तरह की जो इसी प्रकार के जो लाभ हैं तो यानी कि इन कंपनियों से लेने का जो प्रयास किया जा रहा है तो उसी की मतलब कि कह सकते हैं कि एक कदम है ये गाफा टैक्स उसी की दिशा में, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करें फ्रेंड। तो जो गाफा टैक्स है तो पहली बात तो आप लोग जाने कि गाफा का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पास है आप लोग यहाँ पास देख भी सकते हैं कि पहले तो है गूगल एप्पल फेसबुक एंड अमेजन, ये जो चार आपकी जो कंपनियाँ हैं, ठीक है। तो इस इन कंपनियों पर जो है तो टैक्स लगाने की बातें की गई हैं, और ये स्टार्ट किया है कहाँ से, फ्रांस ने ये जो है तो लगाया है गाफा टैक्स, ठीक है। फ्रांस ने जो है तो इन कंपनियों पर 3% जो है सर्विस टैक्स लगाया है, इसी को गाफा टैक्स बोला गया है। कितने परसेंट है, 3%, यानी कि ये जो सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उस सेवा जो यहाँ पास जो है तो उसका कोई मतलब कि निश्चित रेवेन्यू उस देश को नहीं दे रही हैं, लेकिन वहाँ से लाभ बहुत ज़्यादा कमा रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पास जो है तो ये गाफा टैक्स लगा करके उचित लाभ जो है तो उस सरकार को ही मिल सके, इसलिए इसको लगाया गया है, ठीक है। तो ये जो है तो 3% गाफा टैक्स जो है तो लगाया गया है फ्रांस सरकार के द्वारा इन फर्मों में, ठीक है, ये लगाया गया है। साथ ही साथ क्योंकि यदि हम इसी पे देखें तो निश्चित तौर पे यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मतलब कि गवर्नमेंट की बात करें तो यदि हम इस पे देखें तो मोस्टली तो ये बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं ये अमेरिका की हैं, ठीक है, आपको तो ये पता ही होगा। तो इसमें से इसीलिए अमेरिका यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज़ करता है कि ये कंपनियाँ जो बहुत से ज़्यादा रेवेन्यू जो है तो अमेरिका को देती हैं, तो उसका कुछ हिस्सा तो फिर निश्चित तौर पर यदि आप सर्विस यहाँ पास
वो कर रहे हो और यहाँ से ज़्यादा कमा रहे हो तो निश्चित रूप से आपको देना ही पड़ेगा, है ना। और इसीलिए जो है तो डोनाल्ड ट्रंप इसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, फ्रांस से भी, मतलब कि फ्रांस को भी उन्होंने मना किया था ऐसा ना करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है तो शायद भारत भी जो है तो इसी दिशा में कुछ प्रयासरत है, वो तो अब आगे देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि एक देश एक राशन कार्ड। ये इस दिशा में जो है तो गवर्नमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास मतलब कि जारी है। ये महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे यदि हम बात करें कि भारत में जो है तो अंतर प्रवासन की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी कि अंतर प्रवासन कहने की अंतर्राज्य प्रवासन कह सकते हैं कि जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, या छोटे शहरों से बड़े शहर, या कि गाँव से शहरों की तरफ। तो इससे क्या होता है कि जो लोकल बंदा व्यक्ति वहाँ पास का है, ठीक है, तो उसको तो वहाँ उसने वहाँ पास राशन कार्ड बनवाया, लेकिन उसको यदि जब वो कहीं दूसरी जगह जाता है तो उसको उस राशन कार्ड का यथोचित लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो उससे जो है तो उसको कह सकते हैं जीविकोपार्जन की समस्याएँ जो है तो बनी रहती हैं। तो इसलिए जो है तो ये जो जब एक देश एक राशन कार्ड होगा तो इससे न केवल उन्हीं को जो है तो इसका बेहतर एडवांटेज मिलेगा, वो किसी भी यदि उनका राशन कार्ड बना होगा तो वो देश का किसी भी कोने पर जो है तो इसका लाभ ले सकेंगे। साथ ही साथ इससे और भी जो है तो इसके उद्देश्य और भी है कि जैसे कि फर्जी भी राशन कार्ड बहुत से बनाए गए, है ना, तो उनको छांटकर भी जो है गवर्नमेंट का जो फालतू का मिसयूज़ हो रहा है, जो सरकार जो है तो फंड प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका जो है तो एक बेहतर तरीके से उसी व्यक्ति को इसका बेहतर लाभ मिलेगा जो इसके हकदार होंगे, है ना। इससे जो है तो इनके मतलब इनको छांटने में भी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण हेल्प होगा, क्योंकि जो है तो इसकी जो प्रोसेस होती है इसमें से बहुत से ऐसे फर्जी राशन कार्ड भी देखे गए हैं जिनको फिर कैंसिल किया गया है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड तरीके से कह सकते हैं राशन कार्ड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसको कहा जा सकता है, इसकी एक बेहतर मुहिम के तौर पर इसको देखा जा सकता है। यदि हम बात करें कि वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करें तो वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में जैसे कि हम बात करें कुछ साउथ के अपने स्टेट जैसे कि आंध्रा है, है ना, तेलंगाना है, कर्नाटका, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और इधर राजस्थान, हरियाणा, इनमें जो है तो ये जो इंटीग्रेटेड पीडीएस जो सिस्टम है तो यहाँ पास जो है तो लागू है, ठीक है। और इसी तरह से अन्य जो राज्य हैं तो उनमें भी जो एक तरह से बेहतर समन्वय के साथ जो है तो इसे जो है तो लागू करने की बातें जो है तो चल रही हैं, ठीक है। तो इसे मतलब कि निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि न केवल गवर्नमेंट सरकार का काफ़ी संसाधन मिसयूज होने से बचेगा, साथ ही साथ जो है तो इससे जो पात्र व्यक्ति है निश्चित तौर पे उसको भी बहुत ही ज़्यादा इसके लाभ मिलने वाले हैं, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यदि हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं फ्रेंड, तो पहली बात तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो FSDC है ये 2010 में स्टेबलाइज हुई थी, ठीक है। तो ये जो है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक बेहतर जो सुपर रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे जो है तो ये स्टेबलाइज हुई थी, ठीक है। एक सुपर रेगुलेटरी बॉडी है किसकी? फाइनेंस सेक्टर की, ठीक है। वित्तीय क्षेत्र की एक सुपर रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे FSDC को जाना जाता है। और यदि हम इसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात करते हैं तो ये जो काउंसिल है तो महत्वपूर्ण यहाँ पास ये है कि इसकी जो अध्यक्षता है तो इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? हमारे वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है FSDC की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। अब यदि हम इस पर थोड़ा सा बात करें कि इसका क्या मोटो क्या हो सकता है, तो इसकी जो महत्वपूर्ण है कि एक प्रकार से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर के विकास के लिए, ठीक है, मैक्रो प्रोडेंशियल या सर्विलांस के संबंधित जो भी चीज़ें हैं, साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन के लिए, इस प्रकार से इनका सभी का एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करके, ठीक है, और इन क्षेत्रों को बेहतर तरीके से जो है तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है तो FSDC का गठन किया गया था, ठीक है। और यदि हम इसके कुछ मेंबर्स के बारे में बात करने का प्रयास करें तो इसका ये जो बेस्ट एक प्रकार से बेहतर समन्वय के लिए जो FSDC जो गठित हुई है, तो इसके जो मेंबर होते हैं तो मेंबर में इसकी जो है तो सेबी जैसी हो गई, ठीक है, सेबी है, RBI है, IRDA है, ठीक है, IRDA हो गई आपकी, PFRDA हो गई, ठीक है, या PFRDA साथ ही साथ जो है तो वित्त सचिव, ठीक है, इसके जो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, और वहीं बात करके आर्थिक मामलों के जो सचिव होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है, और जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार भी जो है तो इसके सदस्य होते हैं। तो ये आप लोगों को निश्चित तौर पे इसके मेंबर्स भी पता ही होना चाहिए कि कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि सेबी, RBI, IRDA, PFRDA, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव, ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है तो इसके जो सदस्य होते हैं, और जो इसके वित्त मंत्री जो होते हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो ये अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से FSDC के सदस्य हैं? आप लोग इसका आंसर बताइए। राजस्व सचिव, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि IBBI के अध्यक्ष, या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, या कैबिनेट सचिव। ये स्टेटमेंट हो गया। इसमें से ऑप्शन देखें, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 टू 4, ओनली 1 2 3 4 एंड ओनली 1 2 1 3।
इनमें से कौन सा इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर इसका देना है। तो चलिए, हम यहाँ पास हम लोगों ने भी देखा भी है, तो यहाँ पास यदि आप इस पर देखें तो यहाँ पास कैबिनेट सचिव जो है तो ये इसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, और वहीं राजस्व सचिव, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, ये इसके जो है तो सदस्य होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पास आप लोग इसके बारे में और भी देख सकते हैं कुछ जो भी इम्पोर्टेंट आपको चीज़ें लगे तो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अपना है फ्रेंड सुरजीत भल्ला कमेटी से रिलेटेड एक टॉपिक है। सुरजीत भल्ला कमेटी स्पेशली जो है तो ये अपने जो भारत का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो भारत के जो एक्सपोर्ट जिस प्रकार से वैश्विक व्यापार में जो भारत की हिस्सेदारी यानी कह सकते हैं कि ट्रेड में बहुत ही कम है, तो उसकी यानी कि जो भारत के ट्रेड में जो शेयर है तो विश्व व्यापार में किस प्रकार से उसको बढ़ाया जा सके, किस प्रकार से इन्हेंस किया जा सके, तो उससे रिलेटेड ये जो है तो सुरजीत भल्ला कमेटी जो है तो बनाई गई थी। ये जो है तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस कमेटी को बनाया गया था। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इस कमेटी को बनाया था। तो इस सुरजीत भल्ला कमेटी जो है तो ट्रेड को बूस्ट देने के लिए कमेटी बनाया था, तो इसने अपने रिकमेंडेशन दिए। तो इस रिकमेंडेशन में यदि हम देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है तो निकल कर सामने आती हैं। तो इसमें से देखें कि इन्होंने क्या क्या सजेशन दिया है, ये आप जो एक प्रकार से प्रीलिम्स में कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं इससे रिलेटेड, तो आप लोगों के माइंड में रहेगा तो निश्चित तौर पर वो चीज़ आप उसको रिकॉल कर सकेंगे और इजीली इस क्वेश्चन को भी टैकल कर सकेंगे। तो स्पेशल तौर पर यदि बात करते हैं तो इन्होंने जैसे कि कुछ अपने सजेशन में जो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारत की जो कह सकते हैं कि जो विश्व व्यापार में भारत के जो व्यापार को हिस्सेदारी किस प्रकार से इन्हेंस किया जा सकता है, तो उससे संबंधित उन्होंने बताया कि भारत को अपने जो टैक्स स्ट्रक्चर जो है तो उसमें काफ़ी कुछ रिफॉर्म किए जाने की ज़रूरत है ना, यानी कि टैक्स रिफॉर्म की बात इन्होंने की थी। ठीक है, पहली बात। तो उससे एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने जो की थी, इसकी विशेषता है कि इन्होंने स्पेशल ये बताया कि मतलब कि रिकमेंड दिया कि एलिफेंट बॉन्ड की बात इन्होंने की थी, है ना। एलिफेंट बॉन्ड क्या है भाई, एलिफेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो सुरजीत भल्ला कमेटी में ये बताया गया कि पहली बात तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट बॉन्ड से रिलेटेड इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इन्होंने एलिफेंट बॉन्ड से रिलेटेड क्या इनका मतलब कि इन्होंने बताया कि जैसे कि क्या होता है कि ब्लैक मनी होती है। ठीक है, बहुत लोग जो होते हैं तो अपने जो मनी को एक प्रकार से वो अनडिस्क्लोज्ड मनी होती है, उनकी जो इनकम होता है तो उसको बताया नहीं, तो एक प्रकार से जो है तो अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती है। तो जब कोई भी व्यक्ति अपनी जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम को जब बताएगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि जब वो बताएगा तो उसके लिए ये मैंडेटरी होगा कि वो जो उसकी इनकम होगी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, तो उसका 50% कितना 50% जो है तो उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम का वो क्या करेगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट होंगे उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, पहली बात याद रखिएगा, इसका उस अनडिस्क्लोज्ड इनकम का 50% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा। और उसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं तो वो 25 ईयर तक ही, यानी कि 25 साल तक वो इन्वेस्ट रहेगा उसी में, उसके पहले आप बिल्कुल भी उससे नहीं निकाल सकते हो। यानी कि 50% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा 25 ईयर के लिए, इसी को एलिफेंट बॉन्ड किया जाता है, कहा जाता है। एलिफेंट बॉन्ड एक सॉवरेन बॉन्ड है जो कि 25 साल के ड्यूरेशन के लिए होता है। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको निश्चित तौर पर इसको आप याद रखिएगा एलिफेंट बॉन्ड क्या है। ठीक है, और यदि अन्य हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो अन्य रिफॉर्म के बारे में उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल सर्विसेज का जो फ्रेमवर्क है उसमें भी उन्होंने रिफॉर्म की बातें की हैं। ठीक है, तो एक ये थर्ड पॉइंट भी जो है तो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सुरजीत भल्ला कमेटी की कुछ ये दो तीन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे उनकी, तो ये जो है तो इसके पूछे जा रहे हैं कि चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पास इस उस पर डिस्कस किया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है ये नंदन नीलेखण कमेटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या है नंदन नीलेखण कमेटी की बात करते हैं तो आखिर क्यों बनी थी ये, तो इससे यदि हम रिलेटेड बात करें कि नंदन नीलेखण जो कमेटी बनी थी, तो फ्रेंड ये इसकी बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये नंदन नीलेखण कमेटी की जो रिपोर्ट इन्होंने सिफारिश की थी, तो पहली बात तो आप लोग ये याद रखें कि ये डिजिटल पेमेंट यानी कि डिजिटल पेमेंट को किस प्रकार से और भी ज़्यादा एक ब्रॉड लेवल पर उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है, किस प्रकार से लोगों को इस दिशा में और भी ज़्यादा मानी कि डाइवर्ट किया जा सके कि लोग ज़्यादातर डिजिटल उसका पेमेंट मोड का प्रयोग करने लगे, इसीलिए जो है तो नंदन नीलेखण समिति जो होती गठित की गई थी। ये आरबीआई ने इसको गठित किया था, नंदन नीलेखण समिति की, जिसमें से डिजिटल पेमेंट को
मतलब कि बूस्ट करने के लिए, इसमें इनहेंस करने के लिए इसका ब्रॉड लेवल, जिसमें कह सकते हैं कि भारत में गवर्नमेंट का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भी है, ठीक है, तो इसी के जरिए जो है तो बहुत से, जैसे उमंग पोर्टल की बात कर लेते हैं, तो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सी कई मिनिस्ट्रीज जो है तो उसके अंडर में है, और उसमें से पूरी कैसे पूरा डाटा ही देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक ई गवर्नेंस की तरफ जो सरकार का पहल है उसी की दिशा में जो है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कैशलेस इकोनॉमी की तरफ भी जो है तो सरकार काफ़ी कुछ जो है तो इस दिशा में भी प्रयास कर रही है। तो उसी के लिए डिजिटल कैसे पेमेंट के लिए जो है तो ये निरीक्षण समिति ने तो इनकी जो रिकमेंडेशन आई हैं, तो ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इनकी रिकमेंडेशन है, ये आपको मस्ट भी पता होना चाहिए फ्रेंड। इसीलिए इसके बारे में हम इनकी जो क्या खास रिकमेंडेशंस थी उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो है तो जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात तो आप लोग यह जान लें कि नंदन नीलेकर इस कमेटी जो है तो किससे रिलेटेड थी, ये थे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गठित हुई थी, ये आरबीआई के द्वारा गठित हुई थी, ठीक है। अब चलते हैं कि क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात तो इन्होंने कहा कि यदि गवर्नमेंट को डिजिटल पेमेंट को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यहाँ पास बढ़ाना है भारत में, तो पहली बात तो क्या प्रयास करना चाहिए कि गवर्नमेंट को जो कोई भी पेमेंट, जैसे किसी भी मोड से पेमेंट की जाती है ना डिजिटल पेमेंट के जरिए, तो उसमें से जो ट्रांजैक्शन का चार्ज होता है, ठीक है, तो उस ट्रांजैक्शन चार्ज को क्या कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उसमें जो डिजिटल पेमेंट हो तो उसमें जो ट्रांजैक्शन चार्ज, याद रखिएगा कि ट्रांजैक्शन चार्ज को ख़त्म करने की बात है, कि जिससे लोग और भी ज़्यादा उस दिशा में एक पैसे और आगे बढ़ सके। दूसरा उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स जो होते हैं, ठीक है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पास देखने का प्रयास करें फ्रेंड कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये आई थिंक 2018-19 के उसमें क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो यदि आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट की बात करते हैं तो इसको आप कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं फ्रेंड कि जैसे हम बात करें कि जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसे यहाँ पास आप देख सकते हैं कोई भी बैंक होता है, ठीक है, जैसे दो अलग अलग बैंक हो गए, ठीक है, ये बैंक ए हो गया, ये बैंक बी हो गया, ठीक है, तो ये जो दो अलग अलग बैंक है तो इनमें जैसे ट्रांजेक्शन करना हो, ठीक है, तो इन दोनों पर ट्रांजेक्शन करने के लिए एक तो जैसे कि क्या करता है कि इन दोनों पर एक तरह से बेहतर कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए जो होता है एक थर्ड पार्टी की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पास एक थर्ड पार्टी के तौर पे यहाँ पास आप लोगों ने देखा होगा जैसे होता है अपना रुपे कार्ड ना, आप लोगों ने मोस्टली गवर्नमेंट तो रुपे कार्ड को वैसे भी जो तो एक कह सकते हैं कि एक विदेशों में भी जो तो इसको लॉन्च कर रही है, तो आपने रुपे कार्ड भी देखा होगा, आपने मेस्ट्रो कार्ड भी देखा होगा, ठीक है। तो ये भी जो है तो एक तरह से एक गेटवे का काम करते हैं, ठीक है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये इनको इंटरकनेक्ट करते हैं, इंटरलिंक का काम करते हैं, ठीक है। ये जैसे रुपए हो गया, मेस्ट्रो कार्ड हो गए, तो ये जो है तो गेटवे होते हैं ये दो बैंकों के बीच एक प्रकार से बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए, समन्वय के लिए और चीज़ों को आसान सहज बनाने के लिए। तो इसी में से क्या होता है कि ये जो अब जैसे कि बैंक ए था ये बैंक बी था, इन दोनों को एक प्रकार से बेहतर इंटरकनेक्ट हो जाए इनके उसके लिए, जैसे कि रुपए हो गया, हम यहाँ पास रुपए को रख के देते हैं, तो अब रुपए क्या करता है इन दोनों के बीच एक प्रकार से मीडिएटरी का काम कर लेता है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी हो गई, ठीक है। आप यहाँ पास मेस्ट्रो को भी रख सकते हैं, तो ये थर्ड पार्टी, तो ये यहाँ पास जो तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो होता है, तो ये जो तो ये जैसे कि ए बी तक जो पहुँचने के लिए कुछ ये बीच में आकर के ये इंटरलिंक यहाँ पास इन दोनों से इंटरलिंक है, तो ये जो है तो इन दोनों की जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो ये कुछ चार्ज लेती है, ठीक है। तो ये जो चार्ज लेती है वही है क्या आपका मर्चेंट डिस्काउंट रेट, इट मीन्स MDR, ठीक है, इतना आपके लिए इनफ होगा आई थिंक। और ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि 15 बेसिस पॉइंट पे इसको डिसाइड किया जाता है, जैसे कि 100 BPS इक्वल टू 1% होता है, 100 बेसिस पॉइंट यदि हो जाते हैं तो उसको 1% के बराबर माना जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बताया गया कि जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है, ठीक है, तो इसको 15 बेसिस पॉइंट पे, कितना, 15 बेसिस पॉइंट पे ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो होगा उसको कम करने की बात की गई है, ठीक है। यदि इसको कम कर दिया जाएगा इससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा लोग जो है तो डिजिटल डिजिटल कैश डिजिटल पेमेंट की तरफ जो है तो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे लोग, और ये तो ठीक ही है। साथ ही साथ उन्होंने एक और यहाँ पास महत्वपूर्ण सिफारिश यहाँ पास की है कि ये जो मर्चेंट रेट को तो आप 15 बेसिस पॉइंट पे कम करें ही, साथ ही साथ ये जो बोझ होता है, ठीक है, तो इस ये 15 बेसिस पॉइंट का जो ये होता है इसको कट करके, और ये जो मतलब कि ये भार होता है, ठीक है, MDR मतलब कि MDR लिया जाता है, आम पहले क्या होता था कस्टमर से लिया जाता था, ठीक है, तो इसको क्या करना है कि अब ये जो है तो एक प्रकार से ये जो भार है अब मर्चेंट इसको खुद सहन करे, ये यहाँ पास इन्होंने रिकमेंड दी है, ठीक है। इसको जो व्यापारी होगा ये इस MDR को खुद सहन करे, जो चार्ज एक्स्ट्रा लगता है वो खुद उसको भरे, या कि बैंक उसको भरे, ठीक है। तो ये हो गया मर्चेंट डिस्काउंट ट्रेड से रिलेटेड उनकी रिकमेंडेशन थी। अब हम चलते हैं उनकी नेक्स्ट
या और रिकमेंडेशन की क्या थी उसके बारे में थोड़े देखें। तो उन्होंने और रिकमेंड दी और रिकमेंड यहाँ पास ये किया कि पी ओ एस से रिलेटेड उन्होंने बताया, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल जो होते हैं तो उनमें लगने वाला जो 18% का क्या इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल्स में जो लगने वाला 18% का इम्पोर्ट ड्यूटी है इसको भी खत्म करने की उन्होंने बात की है, ठीक है, इसको हटा देना चाहिए। जब पी ओ एस में जो 18% का, भाई अब जब 18% का आप इम्पोर्ट ड्यूटी लेते हो तो कोई क्यों इसको लेगा, क्यों एक्स्ट्रा चार्ज कोई क्यों देगा, ठीक है, वो तो फिर कैश पे ही रहेंगे। यदि आप इसको हटा दोगे तब लोग जरूर सोचेंगे कि यार कैश कैरी में प्रॉब्लम होती है, ये भी इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो लोग इसको और भी मतलब कि ज़्यादा इजी वे पे लेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास भी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये भी रिकमेंड किया कि जो पी ओ एस में जो 18% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। नेक्स्ट उनकी रिकमेंडेशन थी कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन में जो जी एस टी संबंधी जो भी चार्ज लगते हैं, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन में जो भी जी एस टी चार्जेस लगते हैं उसको ख़त्म करने की बात इन्होंने की है, उसको हटा देने की बात की है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि पी ओ एस में जो 18% इम्पोर्ट ड्यूटी इसको भी ख़त्म करने की बात की, डिजिटल ट्रांजेक्शन में जो चार्जेस लगते हैं जी एस टी के उसको भी ख़त्म करने की बात की है। साथ ही साथ और अन्य रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड की बात उन्होंने की है, ठीक है, यानी कि यहाँ पास हम साइड में देख लेते हैं, एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड यानी कि ए डी एफ स्थापित करने की उन्होंने बात की है, जो कि कम या ना के बराबर डिजिटल क्षेत्र में एक प्रकार से डिजिटल पेमेंट को और भी ज़्यादा एक प्रकार से प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट उन्होंने और रिकमेंडेशन उनकी और भी यदि हम देखें तो उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल क्रेडिट या डिजिटल डेबिट इनको भी एक प्रकार से प्रमोट करने की बात की, क्योंकि ये तो ठीक है एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड को तो इन्होंने प्रमोट करने की बात की ही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो डिजिटल क्रेडिट या डिजिटल डेबिट होता है इसके बीच एक प्रकार से जो डिफरेंट है उसको भी कम करने की उन्होंने बात की है, ठीक है, यानी कि डिजिटल क्रेडिट और डिजिटल डेबिट, ठीक है, इन दोनों के बीच जो गैप है या उनके बीच जो अंतर है उसको कम करने की बात इन्होंने की है, ठीक है। ये भी एक इनकी रिकमेंडेशन हो गई। और अन रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि नेक्स्ट नेक्स्ट थ्री ईयर में क्या हो रहा है कि जो वर्तमान में जो डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, ठीक है, तो वर्तमान से अगले 3 साल में उसको कितना है 10 गुना करना है, यानी कि 10 गुना बढ़ाना है डिजिटल पेमेंट को, ठीक है, ये टारगेट है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो यानी कि अगले 3 वर्षों में 10 गुना डिजिटल पेमेंट को वर्तमान के उससे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की बात की गई है, ठीक है, डिजिटल यानी कि DFII डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूसिव इंडेक्स भी जो है तो इसे मॉनिटर करने के लिए जो है तो इसको समय समय पर जारी करने की बात है कि ऐसे इंडेक्स जारी हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे इसमें भी जो है तो काफ़ी ज़्यादा इसको एक प्रकार से प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट उनकी रिकमेंडेशन ये भी थी, लास्ट कह सकते इसको कि यानी कि इम्पोर्टेंट में से एक और यहाँ पास लास्ट कह सकते हैं कि इन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी है तो जो है तो एक प्रकार से मंथली पिन कोड्स वगैरह होते हैं इनको भी जो है तो चेंज करते रहे, क्योंकि जैसे कह सकते कि कोड्स वगैरह तो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं और इनको तो निश्चित तौर पे अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है तो एक कैसे समय समय पे चेंज करते ही रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप कुछ आंकड़ों पे यदि ध्यान दें तो ज़्यादातर जो मतलब कि धोखाधड़ी या कि अकाउंट वगैरह निकल जाते हैं तो इनमें जो है तो उनके वीक अकाउंट जो होते हैं इसके एक कैसे जो उनके कोड होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा है जितने भी फ्रॉड वगैरह हुई है ऑनलाइन इसमें बैंकिंग में, तो उसमें जो तो उनका एक ही रीज़न मोस्टली निकल के आया है 70-80% ये निकल के आया है कि उनके जो पासवर्ड वगैरह थे वो बहुत ही वीक पासवर्ड थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है तो इसके बारे में उन्होंने रिकमेंड किया कि जो आप एक कैसे जो डिजिटल पेमेंट की जो सिक्योरिटी होती है तो उसके लिए कैसे आपको मंथली पिन कोड्स वगैरह को चेंज करते रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जो सिफारिशें की थी नंदन नीलेकर कमेटी, ये आप अपने प्रीलिम्स में भी ऐड कर सकते हैं या कि जहाँ भी स्कोप इसका दिखा आप निश्चित तौर पर इसको ऐड कर सकते हैं, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही मेंस में भी आप इसका बेहतर यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले आप लोग यहाँ पास इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पास क्वेश्चन है, एलिफेंट्स पान बॉन्ड जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है कि समुद्र में से कौन कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह एक विशेष सुरक्षा उत्पाद है जो 20 वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की बात करता है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह सुरजीत भल्ला समिति द्वारा अनुशंसित है जिसका गठन वाणिज्य विभाग द्वारा किया गया है। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन टू ओनली, ऑप्शन सी वन एंड टू, ऑप्शन डी नाइदर वन नाइदर टू। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं 3 सेकंड के अंदर, ठीक है। फ्रेंड इसके हम सही आंसर की बात करते हैं तो पहले स्टेटमेंट में आप ध्यान दें,
की एक विशेष सुरक्षा उत्पाद है जो 20 ईयर्स नहीं बल्कि 25 ईयर था। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड पे चलते तो ये सुरजीत भल्ला समिति ये राइट है, यानी कि इसका जो आंसर होगा आपका होगा बी नंबर, यानी कि 2 ओनली राइट है। याद रखिएगा कि इसी तरह के छोटे छोटे फैक्ट होते उसी पे जो है तो यूपीएससी हेर फेर कर देती है, ठीक है। तो ये आपको ये भी महत्वपूर्ण है कि आप इन चीज़ों पर भी विशेष तौर पर ध्यान दें, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पर भी, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है जन शिक्षण संस्थान, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर जन शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है। तो इसमें देखें तो सरकार वैसे भी सोशल इंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल इंक्लूजन, ठीक है, या कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के तौर पे जो है जिस प्रकार से सरकार जो है तो काफ़ी कुछ प्रयास करती भी रहती है। तो उसी दिशा में यदि बात करें तो जो जन शिक्षण संस्थान है वो बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं फ्रेंड। तो इसीलिए जो तो गवर्नमेंट का काफ़ी इसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करें कि जैसे रिसेंटली बात करें तो जो जैसे यहाँ पास अनाउंसमेंट हुआ है कि कोई भी यदि SC ST जन शिक्षण संस्थान के तहत यदि कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग करेगा तो उसको जो एक प्रकार से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी तो उसको एक प्रकार से कह सकते कि शुल्क जो भी उसमें फी लगती है तो वो जो है तो ये माफ़ हो जाएगी उसकी, या कि पूरी तरह से कम हो जाएगी, ठीक है, वेवाफ हो जाएगी उसकी फी को, ठीक है। तो यहाँ पास ये तो मतलब कि यदि इसके हम इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड पे चलते हैं तो महत्वपूर्ण तो यहाँ पास ये होता है कि यदि हम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यदि इसकी बात करते हैं कि ये जो जन शिक्षण संस्थान है, ठीक है, तो ये जन शिक्षण संस्थान है, ये पहली बात तो इसका मेन इम्पोर्टेंट ये हो सकता है क्या कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो यदि हम इसको बात करें तो पहले तो ये आता था MHRD के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था पहले, ठीक है। उसके बाद 2018 से ये जो है तो अब आ गया है किसके अधीन, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है तो अब ये आ गया है जन शिक्षण संस्थान। तो आप लोग याद रखिएगा कि अब यह किसके अधीन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन। पहली बात जन शिक्षण संस्थान से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी अन्य पहलुओं पे ध्यान दें हम लोग तो जो जन शिक्षण संस्थान है तो ये इसके बात करें तो ये इसका जो मोटो है तो ये क्या करता है कि इसके जो संस्थान होते जैसे कोई भी निरक्षर, ठीक है, इलिटरेट होते हैं या कि बहुत ही एक प्रकार से कम साक्षर हों या कि जो ड्रॉप आउट एडल्ट होते हैं, ठीक है, तो उनको एक प्रकार से स्किल्ड करना है, ठीक है, और उनको एक प्रकार से वोकेशनल ट्रेनिंग देना, साथ ही साथ लिटरेसी संबंधित जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी खासियत ये है कि आप लोग बहुत एक प्रकार से अभी जो बहुत ही ऐसे कम संस्थान होंगे जो कि एक प्रकार से जो दोनों चीज़ें एक साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन हम यदि जन शिक्षण संस्थान की बात करते हैं तो ये ट्रेनिंग के साथ साथ यानी कि आपको लिटरेसी भी दे रहा है, यानी कि इसके डबल एडवांटेज हैं, ठीक है, आपको साक्षरी बना रहा है, साथ ही साथ आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देकर के आपको रोजगार के कैपेबल बना रहा है, आपको स्किल्ड भी कर रहा है। तो इसलिए जो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड, ठीक है, ये आपका जन शिक्षण संस्थान, ठीक है। तो अब यदि हम इसके बारे में और भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं तो ये जो जन शिक्षण संस्थान है तो ये 1967 में, ठीक है, 1967 में इस श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जो है तो बना था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुआयामी एक प्रकार से एडल्ट शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, उस पर इसका मेन फोकस था, ठीक है, 1967 में जब ये श्रमिक विद्यापीठ के नाम से स्थापित हुआ था। उसके बाद JSS जो है तो एक प्रकार से नए फॉर्म में जब आया तो उसमें जो है तो एक प्रकार से इसकी और ही महत्वपूर्ण खासियतों के बारे में बात करते हैं। तो जो ये JSS है तो ये भी जो है तो एक प्रकार से NIOS और डायरेक्टर ऑफ एडल्ट एजुकेशन कह सकते हैं और डायरेक्टर ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग संबंधी और भी जो अन्य वो संस्थान है तो उनके लेवल की ये सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, उनके लेवल के कोर्सेज कराता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप यहाँ समझ सकते हैं कि उनके इक्विवेलेंट ये है, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं कि जो जन शिक्षण संस्थान है इनके कोर्स और इनका जो करिकुलम वगैरह होता है तो ये जो है तो NSQF से ये एक प्रकार से लिंक इंटरलिंक्ड है, यानी कि ये उससे संबद्ध है, किससे, NSQF से। अब NSQF क्या है भाई, तो NSQF यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से JSS जो है तो इसके जो कोर्स और इसका जो करिकुलम है ये उसके साथ संबद्ध किया गया है, ठीक है। इसके इससे जो है तो एक प्रकार से स्किल और क्वालिफिकेशन जो है तो इससे रिलेटेड भी फ्रेमवर्क को दोनों प्रकार से कह सकते हैं कि बेहतर तरीके से इनका कोऑर्डिनेशन और दोनों चीज़ें एक साथ इसको प्रोवाइड की जा सकती है इसके थ्रू। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है तो काफ़ी एक प्रकार से इसका जो दायरा है तो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज करके एक प्रकार से जिला लेवल तक भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, इसके दायरे को और विस्तृत किया जा रहा है। जो शिक्षण संस्थान जो होते हैं तो
जन शिक्षण संस्थान को और भी ज़्यादा एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी बरतने के लिए PFMS यानी कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से इसको लिंक करके एक प्रकार से इसमें ट्रांसपेरेंसी भी लाने का प्रयास जो है तो किया जा रहा है। यदि और भी अन्य बात करते हैं तो जो जन शिक्षण संस्थान है इनमें ट्रेनर को भी एक प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि जो ट्रेनर इसके मेंटर वगैरह होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इससे जो तो कैप्टन से क्वालिटी जो होती है ट्रेनर्स की तो और भी ज़्यादा इन्हेंस होती है, और वो जो है तो करंट सिनेरियो के हिसाब से जो है तो और भी ज़्यादा एक प्रकार से वो अपडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको एक प्रकार से जो ट्रेनर्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग देने संबंधित साथ ही साथ NSTIS, ठीक है, उसके लिए जो है तो ये जो ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देती है तो वो कौन देती है, NSTIS, ये याद रखिएगा कि NSTIS जो है तो इसको ट्रेनर्स को भी ट्रेंड करती है, यानी कि ये नेशनल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, ये भी गठित किया गया है स्पेशली जो है ट्रेनर्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तो ये जो है तो जन शिक्षण संस्थान से रिलेटेड जो है तो इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो इसलिए फ्रेंड आप इसको एक प्रकार से वीडियो को आप फिर से जो तो बैक करके आप उसमें से जो भी इसके आप इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप उसको लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उससे पहले हम यहाँ पास देख लेते हैं क्वेश्चन, जन शिक्षण संस्थान से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है कि जन शिक्षण संस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कि फर्स्ट स्टेटमेंट है यह केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। जन शिक्षण संस्थान के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण के नए दिशा निर्देशों के अनुसार जिला प्रशासन को अधिक जवाबदेही और स्वतंत्रता देना इसका वो एक ये भी लक्ष्य में से है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसमें से यदि आप देखें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं फ्रेंड। तो हमने यहाँ पास स्पेशल तौर पर बताया भी है कि ये किस मिनिस्ट्री के अधीन आता है। याद रखिएगा फ्रेंड कि ज़्यादातर UPSC जो है तो मोस्टली जो इस टाइप के जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता है तो मोस्टली उसमें मिनिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो मिनिस्ट्री तो आप मस्ट भी याद ही रखें। तो हमने यहाँ पास क्या बताया था कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो हमने बताया था कि 2018 के पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता था, बट आफ्टर 2018 ये अब किसके अंतर्गत आने लगा है, यहाँ पास हमने आपको अपने उस पर बताया भी था। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो आपका एक तरह से स्किल से रिलेटेड आ गया था, ठीक है, कौशल विकास और उद्यमिता विकास मंत्रालय से अंतर्गत आ गया था, यानी कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट आपका जो है तो वो राइट है कि इसका डिसेंट्रलाइज करके जिला लेवल तक भी अकाउंटेबिलिटी सेट की गई है। इट मीन्स कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, तो चलते हैं अपने उस पर देखते हैं। तो उसके पहले आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पे देख सकते हैं कि केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्री से रिलेटेड जो होते हुए जन शिक्षण संस्थान से के बारे में आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्या है भाई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो यदि हम इसके बारे में ध्यान दें तो जो GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है तो ये 2016 में लॉन्च गवर्नमेंट का एक कह सकते हैं कि ऑनलाइन पोर्टल है जो कि गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है, तो यानी कि वस्तु सेवा खरीदने हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यदि हम गवर्नमेंट ई मार्केट से की बात करते हैं तो इसमें कई जो मिनिस्ट्रीज हो कई मिनिस्ट्रीज और अन्य डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं तो ये इसमें जो है तो अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ से परचेज कर लेती हैं। ठीक है, तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो इसकी खासियत ये है फ्रेंड कि ये जो GEM है तो ये जो है तो आपका एक प्रकार से जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लायर्स एंड डिस्पोजर्स यानी कि बात करते हैं कि DGSND, ठीक है, DGSND ने जो है तो इसको एक प्रकार से NEGD यानी कि GDSND यानी कि कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लायर्स एंड डिस्पोजल्स के कॉपरेशन से जो है तो इसको बनाया गया था। तो ये तो ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसको कॉपरेशन से बनाया गया, लेकिन महत्वपूर्ण इसका ये है मेन इंपॉर्टेंट यदि बात करते हैं तो ये जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इसको सीधे सीधे जो है तो PMO के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पास ये है कि प्रधानमंत्री ऑफिस जो है तो इसको मॉनिटर करता है, इसकी मेन खासियत ये है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पास इसकी इंपॉर्टेंस पता समझ में आ जाती होगी कि ये जो PMO इसको डायरेक्ट ही कंट्रोल या इसको मॉनिटर करता है। ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को, और इसे जो तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल के तौर पे भी जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रोक्योरमेंट पोर्टल के तौर पे भी जो तो GEM को जाना जाता है। और यदि हम वर्तमान इसकी उस पर यदि ध्यान दें इसके दायरे की बात करते हैं तो वर्तमान में 24 से ज़्यादा राज्यों में और 24 से ज़्यादा राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में जो तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ जो तो एक प्रकार से MOU करके उन्होंने साइन किए हैं इसमें। ठीक है, यानी कि उसमें वो शामिल हुए हैं राज्य और केंद्रशासित प्रदेश। यदि हम इसके बारे में कुछ और फैक्टर की बात करते हैं तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसके आखिर मोटो क्या हो सकता है, इसके टारगेट क्या हो सकता है, क्यों ऐसा बनाया गया है। तो
आपका सब्जेक्ट का सब कह सकते यहाँ पास देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सरकार की ये जो प्रयास रहते हैं डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, चाहे आपको कैशलेस इकोनॉमी की बात कर लें, ठीक है, तो उसी की दिशा में जो है एक प्रकार से उसी में और भी यानी कि एक प्रकार से ये भी उसी के एक पार्ट के तौर पर ही देखा जा सकता है कि एक प्रकार से इसे क्या होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपको जो है तो पेपरलेस, ठीक है, इसके मोटो पे ध्यान रखें कि गवर्नमेंट का जो इसमें कौन कौन से हित इसमें सच सकते हैं, पेपरलेस हो सकता है, ठीक है, कॉन्टेक्टलेस हो सकता है, ठीक है, साथ ही साथ कैशलेस तो हो ही गया है, कैशलेस में भी इनकी सहयोग मिलेगा, ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी भी आपकी हो सकती है, साथ ही साथ इसमें ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे आप लोग को पता है कि किस प्रकार से सरकारी एजेंसी को कितना ज़्यादा फंड जो है तो वो होता है उसका किस प्रकार से मिसयूज होता है, तो उसमें भी एक प्रकार से बेहतर तरीके से उस फंड का बेहतर यूटिलाइजेशन हो सके, तो उसमें भी जो पीएमओ तो मॉनिटर ही कर रहा है तो एक प्रकार से एक अकाउंटेबिलिटी भी सेट हो जाएगी, और इसमें जो है प्रकार से ट्रांसपेरेंसी भी होगी, सेहत बेहतर तरीके से जो सरकारी फंड का बेहतर यूज भी हो पाएगा, ठीक है, तो ये तो इससे जो है तो इन चीज़ों को जो है तो काफ़ी बूस्ट मिलेगा जीएम से। और यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो जीएम है यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, तो इसने क्या किया है कि एक प्रकार से ओईएम क्या है, तो ओईएम की बात करें तो जो ओईएम के हम फुल फॉर्म के तौर पर बात करते हैं तो ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, ठीक है, तो ये जीईएम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने ओईएम यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेवा सर्विस लॉन्च की है इसने, ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सर्विस लॉन्च की है, जिससे कि क्या हो सकता है आपकी जो प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनके जो मूवमेंट या उनकी जो आवाजाही है उसको भी बेहतर तरीके से ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी और भी बेहतर तरीके से इसमें हो गई, तो ये जो है तो और काफ़ी कह सकते हैं कि बेहतर इसको प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक है इनसाइडर ट्रेडिंग, तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या, आप लोगों ने इसको तो बेहतर तरीके से सुना होगा, पहली बात तो आप लोग ये याद रखें कि ये किससे रिलेटेड है, तो इनके हिंदी सेंस के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हिंदी सेंस कहा जाता है कि एक प्रकार से भेदिया कारोबार, ठीक है, भेदिया कारोबार, तो क्या है भाई भेदिया कारोबार, तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो पहली बात तो आप याद रखिएगा कि शेयर मार्केट से रिलेटेड एक प्रकार से टेक्नोलॉजी है, तो ये जो है तो जो सेबी है, सेबी ने क्या किया है कि इसको जो है तो 2015 यानी कि 2050 सेबी एक्ट 2000 जो सेबी के द्वारा जो है तो 2015 से इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, इसके रेगुलेशन 2015 से एक प्रकार से सेबी ने क्या किया है इसको कि प्रतिबंधित भी किया है, ठीक है। अब इसके हम इस पर डीप पे नहीं जाएंगे, इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ठीक है, कौन से एक सकारात्मक और कौन से नकारात्मक, तो इस पे नहीं, मेन आपको यहाँ पास इसकी ये एक प्रकार से इसका जो क्रिस्प है ये समझने की जरूरत है, तो इसको जो तो सेबी ने एक प्रकार से बैन किया था कैसे, आखिर इसके हम मेन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं क्या कि है ये क्या, ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं कि जैसे कि आपने देखो कि जैसे कोई भी जैसे कंपनी होती है उसका कोई यदि मेंबर होगा तो वो तो उसकी प्राइवेसी उसके जो सीक्रेट्स होते हैं उसके बारे में बेहतर तरीके से जानता होता है, ठीक है, तो जो व्यक्ति उसके बारे में बेहतर तरीके से जानता है तो वो उससे काफ़ी कुछ ज़्यादा लाभ कमा सकता है, तो उसकी वो प्राइवेट जो भी प्राइवेसी जो भी उसके सिक्योर चीज़ें होती हैं उसके बारे में बेहतर तरीके से जानता है, तो इससे जो है तो काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है उस कंपनी को या और उस क्षेत्र को, तो इसलिए जो है तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसी एक प्रकार से सॉरी इसलिए जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति विशेष को यानी उसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको लाभ हो जाता है, तो इसीलिए जो यहाँ पास जो उससे रिलेटेड कोई भी जैसे कंपनी या कार्यालय है उससे रिलेटेड जो भी कर्मचारी होगा, ठीक है, तो उसको उस क्षेत्र की जो सीक्रेट जो जानकारी होती है तो उसको अपने कोई भी नियरेस्ट या क्लोजेस्ट को जो बता देता था उससे जो तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था, जैसे को कंपनी जो सेल्स वगैरह जो होते तो एक प्रकार से उसको बहुत ही ज़्यादा लॉस होता था, तो इसके बारे में यहाँ पास मतलब कि इस व्यक्ति को ये इसमें बैन लगाता है, ठीक है, कि जो जिसको इन ये क्लोज इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, तो वो अपने प्रॉफिट कमाएंगे, इससे कंपनियों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ही होगा, तो इसीलिए इसको एक प्रकार से इलीगल बता दिया गया है और इसे बैन कर दिया गया है सेबी के द्वारा, ठीक है, और इसकी पेनल्टी के तौर पे जो है तो 10 लाख से 25 करोड़ तक पेनल्टी, या कि कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट होगा इससे यानी कि जो इसके जो प्राइवेट मतलब जो भी सीक्रेसी थी तो इसको जो पता था उसको जिस बेसिस पे लगाया था जो उसको लाभ होगा तो उस लाभ का 3 times याद रखिएगा कि 3 गुना लाभ का 3 गुना उसको पेनल्टी लगेगा, ठीक है, 3 गुना पेनल्टी लगेगा प्लस 10 वर्ष की जेल, ये इसकी इतना कठोर सज़ा है, ठीक है, भेदिया कारोबार या कि इनसाइडर ट्रेडिंग से, तो ये था इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो नेक्स्ट टॉपिक है ECGC लिमिटेड क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे
तो ये तो इसके वो आप यहाँ से सिर्फ इसके उस पर ही समझ सकते हैं कि इसका जो फुल फॉर्म ECGC लिमिटेड का है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है, ये ECGC का फुल फॉर्म है। और ये जो ये कंपनी है, ये भारतीय जो निर्यात होता है, ठीक है, इंडियन एक्सपोर्ट को ये इन्हेंस करने के लिए इपका से बनाई गई है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्पफुल है, ठीक है, भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन देने में सहायक है। और महत्वपूर्ण इसकी बात यह है कि जो ECGC लिमिटेड कंपनी है, ये किसके अधीन है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है कि जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की, एक पैसे कह सकते हैं कि कंपनी ही है, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, ठीक, ECGC कंपनी, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट को, भारतीय एक्सपोर्ट को इन्हेंस करने के लिए प्रयासरत है, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है ये अपना, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लें कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये आपका है मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसको न्यूज़ चैनल में, मोतिहारी अमलेखगंज जो प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का। तो पहली बात तो आप लोग को मोतिहारी पता ही होगा कि कहाँ पास है, ये भारत में बिहार में है, ठीक है, तो मोतिहारी हो गया। और वहीं अमलेखगंज की बात करते हैं, तो ये अमलेखगंज जो है, तो यहाँ पास ये अपना जो है तो नेपाल में है, ठीक है, अमलेखगंज। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मोतिहारी अमलेखगंज का क्या ये इसका वो है। इसके बारे में थोड़ा सा हम इसकी लोकेशन पे चलते हैं। तो ये आपका है मोतिहारी लोकेशन, यानी कि इंडिया का पार्ट, और ये है अमलेखगंज, ठीक है, नेपाल का पोर्शन। तो ये मोतिहारी अमलेखगंज जो पाइपलाइन है, ये 69 किलोमीटर की पाइपलाइन गई है, ठीक है, 69 किलोमीटर की पाइपलाइन गई है। और ये जो है तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो पाइपलाइन है, तो ये कैसे जो है, तो इस पे इससे एडवांटेज ये होगा कि जो नेपाल है उसको इको फ्रेंडली जो पेट्रोलियम वगैरह है, तो वो एक प्रकार से उसको भेजने में, उसको सप्लाई करने में जो है तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और नेपाल के लिए भी एक प्रकार से कह सकते हैं एनर्जी की एक प्रकार से सिक्योरिटी आएगी, ठीक है। तो ये जो एक प्रकार से यहाँ पास मोतिहारी अमलेखगंज जो पाइपलाइन 69 किलोमीटर की है, तो एक प्रकार से जो स्मूथ और कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ही कम लागत पे नेपाल को इको फ्रेंडली जो है तो पेट्रोलियम वगैरह के उत्पाद जो है तो नेपाल को सप्लाई हो जाएंगे इससे। ये तो इसके लिए नेपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होगी मोतिहारी अमलेखगंज, ठीक है। तो ये इसका जो है तो मेन मोटो था मोतिहारी अमलेखगंज का पॉइंट का, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और वही हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इंडियन बैंक। तो आखिर इसके बारे में, तो हाल ही में गवर्नमेंट ने जो कॉपरेटिव बैंक हैं, तो कॉपरेटिव बैंक के रिफॉर्म के लिए कुछ काफ़ी अच्छे इनोवेटिव कदम उठाए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पास हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, यहाँ पास जैसे कि हम को ये पता ही होगा कि जो इंडियन बैंक्स में ये कुछ एक प्रकार से शेड्यूल्ड होते हैं एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, ठीक है, यानी कि जिनका अनुसूची में वर्णन होता है वो बैंक, जो सूचीबद्ध नहीं होते हैं वो नॉन शेड्यूल्ड हो गए। तो इसमें से एग्जाम्पल को, तो जैसे कॉमर्शियल हो गए और कॉपरेटिव हो गए शेड्यूल्ड में से, ठीक है। तो कॉमर्शियल में आप यहाँ पास देख सकते हैं कि जैसे SBI है, नेशनलाइट बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, फॉरेन बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ये सभी इसी के अंडर में आते हैं, ठीक है, शेड्यूल बैंक में ही कॉमर्शियल के उस पर। वहीं जो कॉपरेटिव बैंक्स होते हैं, जैसे कि ये रूरल है, अर्बन सेक्टर्स में ये फैले होते हैं, तो जो कॉपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है, तो मोस्टली क्या होता था कि जो कॉपरेटिव बैंक है, तो ये पहली बात यदि हम इनके बारे में थोड़ा सा जाने, तो जो सहकारी बैंक हैं, इनको सहकारी बैंक बोला जाता है। तो सहकारी बैंक जो है, तो ये जो है तो आपका जो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी है उसके द्वारा ये पंजीबद्ध होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा, रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी के तहत ये तो ये पंजीबद्ध होते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अब यदि बात करते हैं इनके रेगुलेशन की, यदि बात करते हैं, तो इस इनका जो रेगुलेशन होता है कॉपरेटिव सोसाइटी का, तो वो किया जाता था RBI प्लस राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसका रेगुलेशन होता था, ठीक है, मोस्टली। तो यदि हम बात करते हैं कि मोस्टली जैसे कि ये अन्य कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये तो RBI के तहत जो है तो पूरी तरह से रेगुलेटरी होते थे, लेकिन जो कॉपरेटिव बैंक होते थे, ये RBI और स्टेट बैंक के द्वारा रेगुलेट होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो उसमें से क्या होता था कि पहले जो इसकी रेगुलेशन में क्या था कि जो स्टेट की भूमिका थी वो कुछ ज़्यादा ही थी, ठीक है, स्टेट जो है तो ज़्यादा उसके हस्तक्षेप होता, जबकि जो RBI होती तो उसके कम ही जो है तो उसमें जो तो हस्तक्षेप होता था कॉपरेटिव बैंकों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पास हाल ही में जो कैसे चेंजेस कुछ किए गए हैं, तो चेंजेस कुछ इस प्रकार से हैं कि अब जो है तो इसमें जो
आरबीआई है तो उसकी दिशा निर्देश या उसकी जो रेगुलेशन है उसका जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले इसको कम, मतलब कि कम रेगुलेट करती थी आरबीआई, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन अब कॉपरेटिव सोसाइटीज़ को आरबीआई जो है तो उसका दायरा विस्तृत हो गया है, यानी कि अब आरबीआई की गाइडलाइन को कॉपरेटिव सोसाइटी को मानना मैंडेटरी हो जाएगा। पहले ये कम ही मात्रा में जो है तो ये इस पर लागू होता था, लेकिन अब जो है तो इसका लेवल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और स्टेट को, कुछ हद तक स्टेट को तो है ही, लेकिन आरबीआई के दायरे को बढ़ाया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पास फ्रेंड ये है कि लेकिन जो आरबीआई के जो नए दिशा निर्देश हैं तो ये तो अब इन पर निश्चित तौर पर मैंडेटरी है कि लागू होंगी होंगे। पहले तो ये कॉमर्शियल बैंक पे मोस्टली लागू होते थे, लेकिन अब कॉपरेटिव बैंकों पे भी लागू होंगे, ये बात आप यहाँ पास याद रखिएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, मोस्टली ऐसे लागू नहीं होते थे, क्योंकि तब जो तो स्टेट गवर्नमेंट का कुछ ज़्यादा ही उसमें वो होता था, पार्टिसिपेशन होता था, तो उनकी जो तो ज़्यादा उसमें गाइडलाइंस वगैरह जारी लागू होती थी। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि जो कॉपरेटिव बैंक होते हैं तो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामले की बात करते हैं, यानी कि प्रशासनिक जो मामले होते हैं तो वो अब भी जो है तो कॉपरेटिव बैंकों का वो स्टेट के द्वारा ही गवर्न होगा। ठीक है, तो प्रशासनिक मामलों में तो अब भी जो है तो इक्का से राज्य सरकारें ही पूरी तरह से उसमें ज़्यादा मतलब कि उन्हीं के दिशा निर्देश जो है तो मोस्टली लागू होंगे। ठीक है, यहाँ पास मेन बात ये है। अब यदि हम इस पर देखते हैं कि जैसे कि इस पर देखें कि राज्य सरकार कहने का मतलब ये है, यहाँ पास राज्य सरकार इन द सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मामले में जो प्रशासनिक मामले हैं, यानी कि जो रजिस्ट्रार्ड जो कॉपरेटिव सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार था वही इसको जो है तो एक प्रकार से रेगुलेट करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, प्रशासनिक मामले जो होंगे तो वो अब भी कॉपरेटिव सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार ही देखेगा, बाकी जो दिशा निर्देश वगैरह इसी रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो आरबीआई के गाइडलाइंस को मानना मैंडेटरी होगा। ठीक है, अब यदि बात करते हैं जो सहकारी बैंक होते हैं तो और भी कुछ चेंजेस ये किए गए हैं कि जो सहकारी बैंक के सीईओ हैं तो वो भी एक निश्चित पैमाने के तहत ही उनका भी सिलेक्शन होगा। पहले जो है तो ऐसा नहीं होता था, उनको भी एक प्रकार से आरबीआई से एक प्रकार से परमिशन लेकर के, और अन्य जो कमर्शियल बैंक होते जिसमें से उनका चयन सीईओ, उनका सीईओ नियुक्त होता, उसी तरह से अब कॉपरेटिव बैंकों का भी सीईओ जो है तो नियुक्त होगा। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो ऑडिट वगैरह हैं, ठीक है, तो उनकी उससे रिलेटेड भी चीज़ जो है तो अब वो भी जो है तो आरबीआई की गाइडलाइन उसके दिशा निर्देश पर ही होंगे, ये भी इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है। साथ ही साथ जो सहकारी बैंक हैं उनके घाटे या जो फेल की स्थिति, जैसे कि आए दिन जो है तो इनकी फेल होने की स्थिति भी देखी जा सकती है। ठीक है, तो उनकी स्थिति में इनके जो बोर्ड हैं उनके निर्णयों को एक तरह से आरबीआई पलट सकती है, ये भी एक इसमें बड़ा बदलाव देखा गया है। ठीक है, यानी कि कैसे, आपस इसको थोड़ा सा आप लोग एक बार और समझिएगा कि जो सहकारी बैंक हैं, ठीक है, ये जब एक तरह से एक कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस के कंडीशन पे होते हैं, ठीक है, तो जब घाटे की स्थिति में होते हैं या कि फेल होने की स्थिति में होते हैं तब जो इनके बोर्ड, यानी कि कॉपरेटिव बैंक के जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं तो उनके जो भी डिसीजन होते हैं उनके डिसीजन को इस कंडीशन में, यानी कि फेल होने उसकी कंडीशन पर उनके डिसीजन को आरबीआई पलट सकती है, याद रखिएगा, यानी कि आरबीआई को पावर यहाँ पास बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि कॉपरेटिव जो बैंक हैं उनमें कुछ नए चेंजेस किए गए, तो ये आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। इसको वीडियो को आप एक से दो बार जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग ये चीज़ें पूरी जो है तो ये पॉइंट जो है तो आप लिख भी लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग इससे संबंधित क्वेश्चन जो है तो ईजिली बना भी लेंगे। ठीक है,